एक और जान ले ली। बेगम को कोर्ट का रिहायशी मोहम्मद बिलाल नामी नौजवान गले में पतंग के डोर फिरने से जहां भाग। 19 साला बिलाल मोटरसाइकिल पर रात गए ड्यूटी से वापस आ रहा था कि टेक्साली के करीब गर्दन पर डोर फिर गई। जख्मी हालत में हॉस्पिटल आया गया मगर जान पर ना हो सका। घर में सफे मातम बेच गई, माँ बाप पर गशी के दौरे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का डोर फिरने से नौजवान की हलाकत का नोटिस, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आला ने वाकये की तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया। DIG ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब, जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाए, वज़ीर-ए-आला की हदायत। अस्पताल रहीम यार खान में लेडी डॉक्टर से बदसलूकी का मामला। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की लाहौर समेत पंजाब भर में हड़ताल। सर्विसेज जनरल अस्पताल जुनाह मियो और चिल्ड्रन अस्पताल के आउटडोर बंद। दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किल। अडियाला जेल से रिहाई का तीसरा रोज, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जाति उमरा में मौजूद। आज से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। केसेस से मुतालिक कानूनी मुशावरत, मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। गैर कानूनी असासाजात रेफरेंस में अहद चीमा एहतसाब अदालत में पेश। नैब की जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने अहद चीमा को 25 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। डिप्टी कमिश्नर इनवारुल हक की जेर सदारत मेडिकल एंट्री टेस्ट के इंतजाम के हवाले से इजलास। इम्तिहानी मराकज में पानी और पंखों के इंतजाम करने की हदायत। तलबा के लिए सिक्योरिटी और पार्किंग का मुनासिब इंतजाम किया जाए, डिप्टी कमिश्नर। हरासा करने का मामला, अदाकारा मीशा शफी और गुलकार अली जफर के दरमियान कानूनी जंग जारी। अदाकारा मीशा शफी को अदालती नोटिस वसूल हो गया। अदालती मुलाजिम ने मीशा शफी के मुलाजिम को अदालती नोटिस वसूल करवाया। और शहर का मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स में कतरे कमी। जोहर टाउन और जोड़े पुल समेत गिरदोनवा में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की मूसलाधार बारिश की पेशगोई।